एमएम न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाजिन, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में, जहां पेंटिंग्स की एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। इस एग्जीबिशन की मुनफरद बात यह है कि जो इसके आर्टिस्ट हैं वो जेल में कैद हैं, और जेल में कैद होने के बाद उन्होंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। तो पेंटिंग्स की क्या सूरत हाल है, किस लेवल की बनाई गई हैं, आइए जानते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये पेंटिंग आपके सामने मौजूद है, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, इसके ऊपर पेवनकारी भी हुई हुई है। एजाज नामी कोई कैदी हैं, उनकी जानिब से बनाई गई है, और अगर हम जेल खाना जात की बात कर लें तो 80,000 रुपये इसकी मालियत रखी गई है कि 80,000 रुपये की सेल आउट करनी है। हमारी जो जेल इंतज़ामिया उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अगर 80,000 रुपये की सेल आउट होती है तो इसके पूरे पैसे कैदी के पास जाएंगे, ताकि कैदी अपने घर पर भेज सके पैसे और अपने घर वालों की कफालत कर सके। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखाया है, ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये भी इजाज़ ने बनाई है और एक आला क्वालिटी की पेंटिंग है। ऐसा लगता नहीं है कि ये जेल में बैठकर किसी कैदी ने बनाई है। अगर इसकी हम क्वालिटी की बात कर लें, आप ये देखें, पेंटिंग के साथ साथ उसके ऊपर पेवनकारी भी की गई है मोतियों से, और जो हीरे या मोती जिसको हम कह लेते हैं, जो इस्तेमाल होता है हाथ के काम में, वो चीज़ भी इसके अंदर की गई है, और प्रॉपर तरीके से एक अगर हम कह लें क्वालिटी की बात करें तो आला क्वालिटी की ये पेंटिंग तैयार की गई है। अगर कोई इंसान इसको देखे तो नहीं पहचान सकता कि ये किसी कैदी ने जेल के अंदर बैठकर बनाई है। ये जो एग्जीबिशन आज हुई है, ये प्रिजनर्स ने सारे काम किए, जिसके अंदर वो कैदी जो इनको 25 साल सज़ा है या सज़ाए मौत है, उन कैदियों की ज़्यादातर इसमें पेंटिंग्स हैं। और ये हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिंध को ये क्रेडिट मिला है कि उन्होंने एग्जीबिशन कराई है। कराची सेंट्रल जेल से हमेशा एग्जीबिशन हुई हैं, तो हमने बाहर तस्वीरें भेजी हैं या ऑनलाइन में किसी लोगों के थ्रू हमने किए, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एग्जीबिशन हमने ख़ुद करवाई है। और उन कैदियों का काम जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, वो यहाँ पे हमने लोगों को दिखाया है, जिसमें मोतियों का काम भी है और पेंटिंग भी है, और पेंटिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट अंदाज है। एक कैदी ने धागे का काम किया पेंटिंग के साथ, एक कैदी ने सितारों का काम किया पेंटिंग के साथ, और एक कैदी ने खड्डी के ऊपर काम किया है पेंटिंग के साथ। जी देखिए, ये तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह आपने कहा कि यूनिक है, और हमारे ऐसे बहसियत शहरी एक बिजनेसमैन कारोबारी, हमें इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। इसलिए कि देखिए कि एक जेल की ज़िंदगी और एक आम ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर जेल में बैठ के एक अगर आदमी की ख्वाहिश, ये एक इसकी ख्वाहिश है और एक मतलब इसकी कोशिश है, तो हमें तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे तो यकीन करें, मैं इसीलिए आया हूँ, वरना मैं अमूमन बहुत कम ही कहीं निकलना होता है। इन चीज़ों की जो कैदी के हवाले से हो, इस तरह की चीज़ें होती है जो हार्ट को टच करती है, तो वो यकीनन हमारे बिजनेसमैन दोस्तों से भी मेरी है कि आप इनको देखें भी और इसको ख़रीदारी भी करें और इसको अप्रिशिएट भी करें। जो प्रिजनर्स का और कैदियों का माइंड अप होता है बाहर के, जी कैदी इस तरह रह रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझो कि सिर्फ घर नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है। ये इस काम को जो जिस तरीके से हसन सैतो साहब और उनकी टीम ने प्रमोट किया, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और मेरी मतलब विश है कि ये पेंटिंग्स जो है इनमें से एक भी वापस ना जाए, क्योंकि उन्हें कि कैदी जिस दिल तगी से और जिस मतलब उन्होंने जज्बे के साथ इन चीज़ों को पेंट किया है, तो बड़ा काबिल सताइश है। और उनकी मेहनत है कि ना, और ये सब जो है मतलब जेल इंतज़ामिया की सपोर्ट है और मतलब कैदियों की अपनी मेहनत है। ये पेंटिंग्स देखकर कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि इन हाथों से भी कभी जुर्म हुए होंगे, लेकिन इंसान की छोटी सी गलती इंसान को कहां तक पहुंचा देती है। इसलिए हमें एक अच्छे माशरे के अंदर एक अच्छा इंसान बनकर रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन जायद जमान के साथ फराज अहमद, एमएम न्यूज़ कराची। ताज़ा तरीन खबरें,
रही है। तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।